अमन कमेटी की मीटिंग पर शांति व्यवस्था बनाने पर दिया जोर। थाना डिलारी के क्षेत्र की चौकी जलालपुर में आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय का सम्मान करते हुए गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। डिलारी थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह ने क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान, राशन डीलर से सम्मानित व्यक्तियों से कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय किसी भी पक्ष में आए, सभी पक्ष उसका निर्णय का सम्मान करेंगे। कोई भी पक्ष खुशी का इजहार न करे। कोई भी व्यक्ति उत्पात मचाता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। करना है और ना ही खुशी का इजहार करना है, ये दो ही बातें ध्यान रखनी है और यही सबको समझानी है और यही हमें समझनी है। किसी भी हालत में आपसी प्यार प्रेम सद्भाव हमें बिगाड़ना नहीं है और ना ही किसी को बिगाड़ने देना। ये दो तीन बात, एक सबसे खास बात ये मेरे सामने आई थी इस मीटिंग में, कहीं करेगा कोई भरोगे तो आप ही, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी चौकी है, आपकी जमीन है, तो रखवाला कौन है इसका? आप ही हो, मैं नहीं हूँ। ये मान के चलो जिम्मेदारी आप ही की है कि आप आपसी प्रेम भाव को और इस पूरी संपत्ति को अपनी को संभाल कर रखें। दूसरी बात, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी निर्णय आए वो किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को सीधे रूप से रिएक्शन यही होने की संभावना होती है कि कुछ शरारती तत्व तो ऐसे हैं। देखिए, बहुतायत लोगों का इससे लेना देना नहीं है। सभी शांति चाहते हैं, सभी चैन चाहते हैं, सभी आराम से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कुछ एक चंद लोग हैं जो इसमें कुछ हरकतें कर सकते हैं, किसी पर छींटाकशी कर सकते हैं, जुलूस निकालने का प्रयास कर सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं, कुछ नारे लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या आज के दौर, देखिए इसमें समस्याएं ऐसे उत्पन्न हो सकती हैं जो कुछ कारण मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जैसे न्यायालय का फैसला आने पर एक पक्ष कोई मिठाई बांटना शुरू कर दे, कोई एक पक्ष दूसरे पर छींटाकशी करना शुरू कर दे, कोई एक पक्ष जुलूस निकालने लगे, बाजा बजाने लगे, तरह तरह के कार्यक्रम करने लगे, कुछ जो शरारती लोग हैं इसी में एक दूसरे से दुश्मनी निकालने का प्रयास करें, तो हमें ये विचार करना होगा कि न्यायालय का फैसला आने पर क्या क्या रिएक्शन इसका हो सकता है।